नीट पेपर लीक मामले में अब बिहार की राजधानी भी धीरे धीरे गर्म होने लगी है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम कुमार पर जो आरोप लगाए हैं और पूरा पेपर लीक का कनेक्शन तेजस्वी यादव से जोड़ने की कोशिश की है, इस पर समाज सेवी चिंटू सिंह ने बड़ा हमला किया है। संवाददाता सागर कुमार से बातचीत के दौरान चिंटू सिंह ने कहा कि 5 मई को एग्जाम हुआ, उसके ठीक एक दिन पहले 4 मई को पेपर लीक कर सभी को क्वेश्चन रटवाया गया। उस समय सरकार एनडीए गठबंधन की थी, तो जिम्मेदार कौन है? देखिए, बिहार की राजनीति गर्म है। नीट पेपर मामले में जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं वो सीधे सीधे अब तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठने लगे हैं। आपने सुना होगा, याद होगा आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था हेलीकॉप्टर का चक्कर रुकेगा और जेल का रास्ता खुलेगा। शायद वही बात अब दिखने लगी है बिहार में। जिस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा सीधे सीधे आरोप लगाते हैं उनके अप सचिव प्रीतम कुमार पर, वहीं गिरिराज सिंह साफ शब्दों पर तेजस्वी यादव को ही घेर लेते हैं। हमारे साथ समाज सेवी रविन्द्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह मौजूद हैं। बात करेंगे, ये क्या हो रहा है सर बिहार में, आरोप प्रत्यारोप, आखिर छात्रों को न्याय कब मिलेगा, दोषी कौन है? देखिए, सबसे पहले जब नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो श्री तेजस्वी यादव जी ने ही अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने जानकारी दी थी और बताया था कि इस तरह का जो है बिहार में पेपर लीक होना आम बात हो गई है, तो उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी। और जिस प्रकार माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी का बयान जो आ रहा है नीट के पेपर के लीक में तेजस्वी यादव जी का, तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि 5 मई 2024 को एग्ज़ाम हुआ है और 2024 में सरकार किनकी है यह सबके सामने है। भाजपा गठबंधन की सरकार है और इसका तार जो है गुजरात से जुड़ा हुआ है। आपने देखा कि गुजरात से लेकर बिहार तक में जो है, तो कहीं ना कहीं ये जो है चोर बोले जोर से वाली बात है, चोर जो है जोर से बोल रहे हैं। अच्छा। और NHI विभाग किसका है? उसमें विजय कुमार सिन्हा जी का वो विभाग है। तो वो तो कह रहे हैं कि जो मेरे पास डायरी है, जो तथ्य निकल कर सामने आए हैं, उसमें प्रीतम कुमार जो तेजस्वी यादव के आप सचिव हैं, उन्होंने ही फोन किया था वहाँ पर रुकवाने के लिए। अच्छा, प्रीतम कुमार कौन है? सरकार का अंग है या तेजस्वी जी का अंग है? वो सरकारी तन से जुड़े हैं, BPSC से हैं, तो ये सरकार जाने कि वो कौन है। वो एक तरह से सरकारी तंत्र है। आपको लग रहा है कि तेजस्वी जी को कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है? तेजस्वी जी को फंसाने का जो साजिश कहीं ना कहीं गुजरात से जुड़ा हुआ है तार, गुजरात से बिहार तक। और जिस सिकंदर का नाम आ रहा है उसका कई IAS से जो है उसका संबंध है। उसका मोबाइल का CDR निकाला जाए, उसका लोकेशन निकाला जाए, तो उसका कई IAS से जो बिहार सरकार में IAS बैठे हुए हैं, शिक्षा विभाग तक में बैठे हुए थे। एक और आरोप लगा कि जो उसमें आरोपी हैं वो रांची जेल में, सारा रांची जेल का विधि व्यवस्था देखते थे। लालू जी जब वहाँ थे तो आवा भगत में लगे रहते थे। देखिए, आरोप लगाना, सरकार अपनी प्रतिष्ठा को बचाना चाह रही है यहाँ की सरकार। और जिस प्रकार गुजरात में आपने देखा कि माननीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री का बयान आता है कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि नीट का पेपर लीक हुआ। सारा तथ्य और बिहार की आर्थिक अपराध इकाई को मैं धन्यवाद देना चाहूँ, आदरणीय श्री नैयर हसनैन खान साहब को, और धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय DIG मानवजीत सिंह ढिल्लो साहब का, जिन्होंने ईमानदारी पूर्वक उन्होंने जो है FIR दर्ज की और सारा तथ्य सामने आ जाएगा और उसका सही से CDR लोकेशन जाँच हो तो कई बड़े बड़े नेता यहाँ के। अच्छा, नित्यानंद राय कह रहे हैं कि हम 2025 में समाप्त कर देंगे तेजस्वी यादव को। अच्छा, वो तो बोल रहे थे कि लोकसभा में ही समाप्त हो जाएगा। और क्या स्थिति हुआ कि बहुमत भी साबित नहीं कर पाए, गठबंधन के सहारे जो है वो बैसाखी के सहारे सरकार बनाए, तो कथनी और करनी में अंतर क्या होगा 2025 में? तेजस्वी यादव जी सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, उनके नेतृत्व में मंत्री बनेंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। चलिए, तो देखिए, ये चिंटू सिंह का दावा है कि तेजस्वी यादव की सरकार 2025 में बनेगी और मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन फिलहाल जो बयानबाजियां निकल कर आ रही हैं, जिस प्रकार के वाद विवाद हो रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि सीधे सीधे तेजस्वी यादव कोई बड़ी मुश्किल में भी फंस सकते हैं। सागर कुमार, पटना।